नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीजार और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार थ्रेसर लेकर आए हैं। इसे साइड टोकरी भी और पीछे कटर भी है। इसका सभी जानकारी आपको मिलेगी कि ये किस प्रकार ऑपरेट होती है, इसका प्रॉफिट क्या है, ये कितना परसेंट गीला माल निकालेगा, कौन से ट्रैक्टर से ऑपरेट होगा, और जो मार्केट के अंदर आते हैं और ये जो थ्रेसर आप देख पा रहे हैं इसमें अलग क्या है। और हमारे साथ है सर, तो इनसे संपूर्ण जानकारी आपको दिलाएंगे। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए किसान भाई को। सर, मैं श्री विश्वकर्मा कृषि यंत्र उद्योग गुनाटू सीकर राजस्थान से हूँ और मेरा नाम शिवदयाल जांगिड़ है। तो सर, आप किसान भाई के लिए कब से ये मशीनें बना रहे हैं? सर, हम वैसे तो 1989 में पहले मशीन बनाई थी और सबसे बेस्ट की मशीन है। और अभी तो मान लो दिनों दिन बढ़िया नई टेक्नोलॉजी की निकाल रहे हैं और अभी इसमें बहुत ही बढ़िया हमने टोकरी मॉडल निकाला है। तो ये मशीन जैसे कि किसान भाई इसे देखता है, पसंद करता है, तो इसका वो फीचर्स बताइए जो मार्केट से अलग है। देखो, इसमें हमने जो टोकरी मॉडल निकाला है तो इसमें एक तो हमारी टोकरी में इसमें गियर सिस्टम है, रिवर्स गियर रहता है, दो गियर आगे हैं। और इसमें जैसे टोकरी ऊंची नीचे करने के लिए मतलब हमारे इसमें गियर सिस्टम लगा हुआ है, तो जो इसमें जो हैंडल दबाएंगे ये टोकरी ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगी। तो जैसा कि हम सबसे पहले आपका एलिवेटर देख पा रहे हैं, तो एलिवेटर के बारे में जानकारी दे किसान भाई। सर, एलिवेटर तो इसमें जैसे ना आ जाता है अपना, तो इसमें ना जाके एलिवेटर कटोरी के अंदर जाके और अंदर ट्रॉली में आ जाएगा। एलिवेटर तो ये हो गया सर। और एलिवेटर के यहाँ पर आपने ये अलग सा सिस्टम लगा रखा है, तो इसके बारे में जानकारी दे। ये अपना इसमें ग्राइंडिंग है, धार लगाने के लिए ग्राइंडिंग है। तो सर, वो धार लगाएंगे तो उनको ब्लेडों खोल कर धार लगाना? हाँ, ब्लेड खोल के धार लगती है इसमें सर। इसमें जो ये कवर आ गया ये हट जाएगा, इसे ब्लेड के धार लगा लो आप और वापस से जैसे काम हो जाए तो इसमें वापस कवर कर देना, तो इसमें क्या है कोई भी नुकसान नहीं होता। और जैसे कि हम मशीन के अगली तरफ चलते हैं, जो आपने ये जो एलिवेटर दिया है इसको एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ सर, एडजस्ट करने के लिए इधर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। डिवाइस में जैसे वो कहीं भी ऊपर जाएगा तो इसमें आगे से आगे ऑप्शन दिया हुआ है, पूरा ऊंचा कर सकते हो, नीचा भी कर सकते हो, दोनों काम है इसमें। और सर, जैसे हम इसके अगली तरफ चलते हैं तो आपने ये गियर बॉक्स दिया, इसका हाँ मुख्य काम क्या है? गियर का सर मुख्य काम इसमें एक तो एक नंबर गियर आ गया, एक आ गया इसमें दो नंबर फास्ट और स्लो आ गया, एक इसमें रिवर्स गियर ब्रेक आ गया। तो अंदर जैसे मान लो कोई आप नार निकाल रहे हैं तो इसमें जैसे टोकरी वो कोई जेली जाती है अंदर वो निकल जाती है, जैसे कोई पत्थर आ जाता है, कोई भी लकड़ी भट्टा आता है, तो हम रिवर्स गियर निकालने से वापस बैंक आ जाएगा, मशीन में नुकसान नहीं करेगा अपने में। सो सर, जैसे कि आपने ये पंखा दिया हुआ तो इसका यूज किस प्रकार करेगा? जैसे कि ये हैंडल है तो इसको सर ये थ्री पैन बोलते हैं, इसको ये चुस्की भी बोलते हैं जैसे, तो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे मान लो अपना जो ये ऊपर हो गया अभी इसमें माल जैसे मान लो साफ नहीं आ रहा है तो इसको धीरे धीरे हमने इसको नीचे करेंगे, जैसे भी ये थोड़ी ऊपर पूरा उठा के ऊपर फेंक देगा उधर और माल एकदम साफ आ जाएगा। इसके अलावा अपने इसमें हवा के लिए एक और सिस्टम दिया हुआ अपना, ये इसमें इसको नीचे करने से हवा कम होगा और ऊपर करने से ज़्यादा होगा, तो मान लो एकदम अपना नाज एकदम क्लियर साफ आएगा। तो किसान भाई को ये बताइए कि वो इन हवाओं को आसानी के साथ एडजस्ट कर सकता है माल की सफाई के लिए? हाँ बिल्कुल, आसानी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई पाना वगैरह की जरूरत नहीं, इसमें हाथ से होता है सारा लॉक सिस्टम है, ऊपर और नीचे कैसे कर सकते हो इसमें। तो हम जैसे अगली तरफ चलते हैं तो ये आपकी जो डोली देख पा रहे हैं साइड वाली, हाँ जी, तो ये जैसे कि ये कंघियाँ देख पा रहे हैं तो इनका प्रॉफिट बताइए किसान भाई को। सर, कंघियों में इसमें प्रॉफिट क्या है? इसमें पहले हमने जो मान लो एकल कई चेन लगाते थे वो लगाते थे, उसमें नुकसान ज़्यादा होता था क्योंकि चेन वगैरह टूट जाती थी, तो हमने इसमें कंघी लगाती और वो हाफ हाफ लगाई अंदर फुल है तो इसमें क्या है नुकसान नहीं होता है। अगर इस डोली को फोल्डिंग करना चाहता है तो वो किस प्रकार होगा? फोल्डिंग करेंगे तो इसमें सर इसमें ये हैंडल दिया हुआ है, इसको जो नीचे दबाएंगे तो ये चेन उतरती है, इधर से चेन उतार के इसको ऊपर तो ऊपर चला जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा। और एक इसमें अपना टोकरी में सिस्टम है अपने जो ये पर्दा लगा हुआ है अंदर, इसमें जो कट है तो इसमें अपने को जो मान लो खुला माल डालते हैं वो अंदर डाल सकते हैं, सीधा डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, वो इधर नहीं वापस नहीं आएगा। अच्छा, वो अगर वो बिखरता है नीचे, हाँ, नीचे तिरपाल के अंदर तो उसको वो कर डालने से वो वापस ग्रेडिंग होकर माल आ जाएगा, साफ होकर आ जाएगा। जैसे कि आपने इसके टोकरी के बारे में बताया, अगर बात करें तो ये कौन कौन सी फसल निकाल देगा? सर, इसमें ऐसा है कि इसमें एक अपनी मशीन से एक मूंगफली नहीं निकलती है और जो नाज आप चाहे वो सब निकाल सके, इससे बोल आता है बारीक से बारीकी, धनिया आता है, जीरा होता है, चावल भी निकलेगा? चावल भी निकालते हैं लेकिन अपने इधर हमारे नहीं होता है, चावल भी निकलता है, केवल मूंगफली को छोड़कर ये सभी प्रकार के तो सब निकलता है, जैसे बाजरा, गंवार, मोट, मूंग, चना, ये सब बोल है, धनिया है, राई, सूख सब निकलता है। जैसा कि आपने बताया कि सब फसल निकली, अगर कहीं जगह हल्की फुल्की बारिश आने के कारण नमी हो जाती है, अगर गीले माल की बात करें तो कितना परसेंट निकाल देता है? सर, गीला जैसे और मशीन निकालते हैं उससे ज़्यादा अपना गीला माल निकले, क्योंकि इसमें गीले माल के लिए हमने एक्स्ट्रा इसमें सिस्टम दिया हुआ है,
तो वो गीला माल भी अपना निकालेगी। और आपने गीले माल की बात की कि गीला माल भी निकाल देगा, अगर इसकी बात करें कैपेसिटी की तो एक घंटे के अंदर कितना क्विंटल निकाल देगा माल? अगर सरसों की बात करें तो सरसों में देखो सर एक घंटे में इसमें लगभग मान लो 7-8 क्विंटल तक निकलता है। और गेहूँ की बात करें तो गेहूँ लेक से लगभग 15 क्विंटल लेके और 25 क्विंटल तक एक घंटे में निकल जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि 25 क्विंटल गेहूँ और 8-9 क्विंटल सरसों आराम से निकल जाए। सरसों निकलती है इसमें जैसे मान लो 4 क्विंटल लेके 6-7-8 तक निकलती है। अगर इसके ट्रैक्टर की बात करें तो किस ट्रैक्टर से ये ऑपरेट होगा? अपनी मशीनें जैसे छोटे से छोटे ट्रैक्टर आता है अपना 1035 DI ट्रैक्टर आता है, तो 35 HP ट्रैक्टर भी वो अपने मशीन को चलाता है। 35 HP से ऊपर वाले ट्रैक्टर भी ये मशीन चलेगी? चलेगी। और जैसे ही हम पीछे की तरफ आते हैं, ये जो हम सेम जो कुट्टी मशीन आती है वही सिस्टम है, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि दो काम एक मशीन से किसान भाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी दे। अगर वो आगे वाली मशीन चला रहा है, पीछे वाली नहीं चलाना चाहता, अगर इसको ही चलाना चाहता है, आगे वाली नहीं चलाना चाहता, तो वो किस प्रकार होगा उसके बारे में जानकारी? सर देखो इसमें आप पीछे वाले चलाना चाहते हैं, आगे नहीं चलती, तो इसमें अपनी टोकरी बंद हो जाएगी, और जो मान लो आप पीछे से चलाओगे तो अपनी बेल्ट हट जाएगी अंदर से, तो केवल बेल्टों को हटाकर आप अगला वाला नहीं चला सकते हैं। हाँ। और अगला चलाओगे साइड टोकरी चलाओगे तो पीछे वाला बंद हो जाएगा। और अगर केवल पीछे वाला ही चलाना तो सर टोकरी का वो चेन है वो बंद हो जाएगा, गियर उधर से रिवर्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा उधर से, तो ये टोकरी नहीं चलेगी। ये कुट्टी काटने के लिए केवल? ये कुट्टी इसमें गेहूँ निकलेगा, जो भी कटिंग वाली चीज़ जो ब्लेड से कटिंग होती है वो पीछे से जाएगी। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि ये हैवी वाला, अगर इसके गीले फसल की बात करें तो वो गीला तो आराम से निकालेगा ही? हाँ निकलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर अनुमान लगाया जाए तो कितना % गीला माल निकाल देगी? सर इसमें जैसे मान लो नेम तो सूखे का होता है, लेकिन इसमें मान लो 15-20% तक मान लो गीला होता है वो निकल जाएगा। सर वो राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है ना कि कटर थ्रेसर गीला माल निकालेगा। हाँ, तो सर गीला निकालता है हमारी वो माल, और मशीन निकाली उससे बढ़िया निकलेगा, क्योंकि हमने इसमें गीला माल निकालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जो आगे वाली टोकरी से फसल निकलेगी वही पीछे वाली से निकल जाएगी? हाँ वो भी निकाल सकते हो आप। अगर इसकी व्हील की बात करें, ब्लेडे की बात करें, तो कितने व्हील को कितना केजी इसका व्हील का वजन है और ब्लेडे कितनी? इसमें 3 तो ब्लेड आती है और इसका वजन वेट आएगा व्हील का 140-145 किलो के लगभग आता है। अगर इसके टापे की ड्रम साइज की बात करें तो इसकी चौड़ाई बता सकते हैं किसान भाई? इसकी चौड़ाई है 10.5 इंची 10 इंची 5-4 सूत है चौड़ाई। अगर जैसे कि हम पीछे वाले जो ये रोलर देख पा रहे हैं, रोलर भी आपने बहुत अच्छे लगा रखे हैं जिससे कि उनकी फसल आसानी के साथ अंदर जाएगी। सर ये इसमें मशीन है, इसको हेड बोलते हैं अपना, तो ये अभी 12 और 13 का हेड बोलते हैं, इसकी हैवी साइज़ है, इसकी बड़ी साइज़ है। तो जैसे कि आप ये पट्टा लगा रही हो, अगर कुछ समय चलने के बाद में पट्टा लूज होता है तो उसको टाइट किस प्रकार करें? टाइट करने के लिए इसमें अपने जो इधर ऑप्शन दिया हुआ है ये बोल्ट टाइट करेंगे तो पट्टा ऑटोमेटिक दोनों साइड से टाइट हो जाएगा। और जैसे हम इसका मुख्य काम रहता है इसको चलाने का, वो इसके गेयरबॉक्स का रहता है, क्योंकि जितना अच्छा गेयरबॉक्स होगा किसान भाई को मेंटेनेंस नहीं आएगा, तो इसके गेयरबॉक्स के बारे में किसान भाई को बताइए। सर इसमें गेयरबॉक्स है अपना जो 3-स्टार का गेयर आता है, इसमें 3 गियर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो जैसे कि आपने बताया कि 3-स्पीड गियर है, 1st 2nd 3rd, तो इसका महत्व क्या है कि 1st में क्या होगा, 2nd में क्या होगा, 3rd में क्या होगा? सर 1st में इसमें होता है कि 1st में मान लो कुट्टी गिरेगी तो वो थोड़ी छोटी गिरेगी, और 2 नंबर लगाएंगे तो उसमें थोड़ा और बढ़ा जाएगा, 3 नंबर में फास्ट और ज़्यादा बढ़ा जाएगा। और जैसे कि ये हैंडल वाला देख, इसका ये तो आगे करने का और पीछे करने का सिर्फ 2 काम करेगा। अगर ट्रैक्टर पर लोड पड़ता है माल ज़्यादा जाता है तो इसको तुरंत रिवर्स कर सकते हैं तो ट्रैक्टर लोड नहीं लेगा। और 1st 2nd 3rd गियर से इसके कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा? सर वो तो पड़ेगा, थोड़ा सा मान लो 2 नंबर लगाएंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा माल, तो ट्रैक्टर पे लोड तो पड़ेगा। तो वही जैसे हम इसके आगे की तरफ आते हैं किसान भाई, यहाँ पर एक ये टूल बॉक्स मिलेगा, तो सर इसके बेसिक डिटेल इसके बारे में बेसिक डिटेल्स दे किसान भाई को। सर इसमें जैसे मान लो अपने पीछे से कटिंग हो गया माल अपना, तो इसमें यहाँ से कटिंग होके अंदर आएगा टापे में, और यहाँ से बाद में जो मतलब कुटाई होके अंदर छालने में आ जाएगा नीचे। तो सर जैसे कि आपने बताया कि उससे हम सूखे और गीले चारे की कुट्टी भी कर सकते हैं, अगर वो कुट्टी करेगा तो उसका आउटपुट कहाँ से लेगा, बाहर कहाँ से निकालेगा? सर ये अपना जो आप कुट्टी काटोगे इसे खाली पीछे से काटोगे तो ये अपना बैंड हट जाएगा इधर से, ये हटने के बाद में इस पर ढक्कन लग जाएगा, इसमें अंदर टूल में ढक्कन है इसका, तो ये ढक्कन लगने के बाद में वो ढक्कन खुल के उधर साइड में निकल जाएगा वो। और कुट्टी एक घंटे में कितना क्विंटल काट देगा? कुट्टी इसमें निकलता है लगभग मान लो 70 तक, 7000 के जी 70 मन बोलते हैं उसको। हाँ 70-80 मन बोलते हैं उसको। और अगर इसकी बात करें तो ये किस चीज़ का फीचर्स? ये सर हमने नया मॉडल निकाला है, इसमें जैसे गिला माल के लिए सिस्टम दिया हुआ है, ये अभी काफ़ी 12 महीने से चला हुआ है, बहुत बढ़िया सर्विस दे रहा है ये, किसान भाई को ट्रैक्टर में भी लोड कम लेगा और डीजल कम खाएगा। मान लो इसमें जो गिला माल आता है तो इसी वो ढकना अंदर से खोलते हैं, और बाद में इधर से जो कचरा आता है जैसे जड़ आती है बड़ा कचरा, वो जो भी गीले माल के अंदर जो भी जड़ वड़ कचरा वगैरह जो वो मुड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, वो अंदर से बाहर आ जाएगा। पहले की मशीनों में मशीनों को रोककर उसको हाथ से बाहर निकालना, बाहर से नहीं निकालना पड़ेगा, ये चालू रहेगा, इसमें कोई नाज नहीं आता है,
सिर्फ खाली गिला वो कचरा आएगा, वो मुड़ा हुआ वही आएगा। और जैसे हम इसके आगे फैन की तरफ आते हैं तो सर इसके अंदर कितने फैन? सर इसमें इसको मशीन को बोलते हैं 3 फैन, जिसमें एक मेन फैन है वो आ गया इसमें ये थोड़ी बाहर फेंकने के लिए, उसके बाद में अपना ये दूसरा फैन आ गया ये इसमें ये चालने से उठाएगा, और इसमें ये तीसरा फैन आता है ये अपना सफाई करेगा। और तो जैसे किसान भाई आपको पता है कि ये सिस्टम जो भी आपकी भूसी के अंदर दाना वाना आ रहा है ये पीछे वापस चला जाएगा टोबी में पाइप। और जैसे हम इसके अगली तरफ आते हैं तो सर ये जो आपने व्हील लगा रखा है, व्हील भी बहुत ही बड़ा है, तो इसका व्हील का वेट बताइए और सर इससे क्या प्रॉफिट होता है हेवी डालने से? सर पहले व्हील हम छोटा डालते थे, वजन भी कम आता था, उसका वेट कम आता था, लेकिन अब हमने इसमें व्हील डाला है, ये लगभग मान लो 180 किलो का व्हील है अभी, और इसकी साइज़ भी बढ़िया है, तो इसमें क्या जरा हैवी व्हील होता है तो इसमें क्या ट्रैक्टर लोड कम लेता है और गीला माल निकालने में मान लो आसानी रहती है, ज़्यादा ट्रैक्टर दबेगा नहीं। और अगर इसके मशीन के आरपीएम किसान भाई को सेट करने पड़े तो वो किस प्रकार? देखो आरपीएम तो जैसे मेसी ट्रैक्टर आता है तो उसमें 540 आरपीएम आते हैं, तो उसी हिसाब से सेट करते थे। आपको किसान भाई हमको महिंद्रा का बताएगा तो महिंद्रा के हिसाब से पुली डालेंगे, सोनाली का आएंगे तो उसके हिसाब से डालेंगे, जो भी किसान को पहले पूछते हैं उसके बाद में आरपीएम सेट करते थे हम। तो सर आप किसान भाई के लिए बहुत ही शानदार मशीन लेकर आए, आशा करते हैं कि ये मशीन आपको पसंद आई होगी। इस मशीन में आपको नया क्या लगा और किस प्रकार ये मशीन बनी हुई वो भी हमें कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।